हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बायकोनिकल एंटेना और इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एंटेना एंड वेव प्रोपोगेशन यूनिट से। एंड आई होप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और बायकोनिकल एंटेना को बहुत डिटेल में समझ लेंगे। सो बायकोनिकल एंटेना, नाम से पता लग रहा है बाय और कोन। सो मतलब दो कोन्स होंगे इसके अंदर। ऑब्वियसली ये राइट है, इसके अंदर दो कोन्स हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। दोनों कोन कंडक्टर मटीरियल के रहते हैं और दोनों कोन्स का सेम और आई कैन से बिल्कुल एक ही वर्टेक्स रहता है, एक ही फीड लाइन रहती है। तो इसको हम अगर हम दो कोन्स को अरेंज कर दें ऑपोजिट डायरेक्शन में और उसे हम चार्ज पोटेंशियल या फिर अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दे दें, सो उस केस में हमारे पास बायकोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। सो जो हमारा बायकोनिकल स्ट्रक्चर है, इसमें दो कोनिकल कंडक्टर्स होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं ऑन द सेम वर्टेक्स। जो इसकी लेंथ है वो लैम्डा बाय टू है। तो आप यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की लेंथ मेजर करें तो वो लैम्डा बाय टू। लैम्डा डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कराना चाहते हैं उससे आप लैम्डा निकाल सकते हैं। सो इट इज़ ड्रिवन बाय पोटेंशियल चार्ज, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स पर हम फीड लाइन को लगाते हैं, दिस इज द फीड लाइन। ये दो कोन है, यहाँ पर हम फीड लाइन पर हमने क्या करा, या तो अल्टरनेटिंग चार्ज पोटेंशियल, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या करंट हमने लगा दिया एट द वर्टेक्स। तो यहाँ पर दोनों कंडक्टर का कॉमन एक्सिस है और कॉमन वर्टेक्स भी है। तो आप देख रहे हैं ये कोन एक्सिस है, दोनों की सेम कोन एक्सिस है, दोनों का सेम इक्विटोरियल प्लेन है। तो यहाँ पर आई कैन से वर्टेक्स भी सेम है दोनों का। टू कोन्स आर फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक कोन अपसाइड डायरेक्शन में है तो दूसरा कोन उससे 180 डिग्री दूसरे वाले डायरेक्शन में ही उसका फेस रहेगा, राइट। तो इट्स अ ब्रॉड बैंड एंटीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बिकॉज एंटीनाज जब भी ब्रॉडबैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज पर ऑपरेशनल हो जाते हैं, तो इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो ब्रॉडबैंड एंटीना बायकोनिकल एंटीना है, विच मीन्स ये बहुत ही एप्लीकेबल एंटीनाज के उसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस रहेंगी। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है, समझ थोड़ा थोड़ा लिया है। तो स्ट्रक्चर में दो कोन्स हैं, दोनों कोन्स कंडक्टर मटेरियल के हैं, उसे हम फीड लाइन से सप्लाई कर देते हैं, दोनों का सेम वर्टेक्स है। ये मेरा एंटीना रीजन है। एंटीना रीजन क्या होता है, रीजन नियर द एंटीना, राइट। देन वी हैव दिस इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन इज अ प्लेन जो कि सेंटर से पास कर रहा है, राइट। तो इक्विटोरियल प्लेन दोनों के लिए कॉमन रहेगा, राइट। आफ्टर दैट वी हैव द फ्री स्पेस रीजन। बाउंड्री स्फीयर से बाहर चले जाए तो फ्री स्पेस रीजन। बाउंड्री स्फीयर क्या होता है, बाउंड्री स्फीयर होता है जो इस कोन के आउटर एक्सिस से पास करता है वो सर्कल, राइट। सो जो स्फीयर बाउंड्री से पास करेगा कोन्स की वो बाउंड्री स्फीयर, राइट। और बाउंड्री स्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, एंटीना रीजन से फ्री स्पेस रीजन के बीच में हमारे पास बाउंड्री स्फीयर है। ये वाला स्फीयर है जो बाउंड्री स्फीयर है, ये एंटीना रीजन है, राइट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटीना के सेंटर में पास करेंगी और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर रहेंगी। और जब भी मैं इसे लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराना चाहूँगी तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। अब देखते हैं और फीचर्स क्या होते हैं बायकोनिकल एंटीना के। पहली बात मैंने कहा था ब्रॉडबैंड एंटीना है, तो 75 से 400 मेगाहर्ट्ज़ तक एप्लीकेबल है, विच मींस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज पर ये ऑपरेशनल है, तो ये इसका बेस्ट फीचर है। आफ्टर दैट इसके पास एक्सीलेंट एजीमुथल पैटर्न सिमेट्री रहता है क्योंकि सिमेट्रिक पैटर्न है। अगेन इसकी एप्लीकेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। इसमें लॉसेस कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है जब हम इसे हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करा रहे हैं। आप देख रहे हैं 75 मेगाहर्ट्ज़, तो मेगाहर्ट्ज़ में हम इसे ऑपरेट करवा रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यूजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस टेस्टिंग में यूज होता है, ईएमआई टेस्टिंग में यूज होता है, देन इट इज यूज इन द एमिशन टेस्टिंग और इम्यूनिटी टेस्टिंग। फिर उसकी एप्लीकेशन मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं। अब आ जाते हैं यूनिपोल एंटीना। अब ये था जो बायकोनिकल एंटीना था, इसमें दो कोन थे। अगर हम क्या करें, हम एक कोन को इनफाइनाइट प्लेन ऑफ कंडक्टर से रिप्लेस कर दें, ये वाला कोन हम हटाकर यहां पर प्लेन कंडक्टर ले आए इनफाइनाइट, तो उस केस में इसे हम वन कोन रह जाएगा और इसे हम यूनिपोल एंटीना बोलेंगे। सो वन कोन इज रिप्लेस्ड बाय ग्राउंड प्लेन।
तो अब जब हमने वन कोन को रिप्लेस कर दिया ग्राउंड प्लेन से, तो इसकी इनपुट इम्पिडेंस कम हो जाती है, हाफ ऑफ बायकोनिकल एंटीना रह जाती है इनपुट इम्पिडेंस, जो कि बेकार है क्योंकि हमें बहुत सारे इनपुट्स को मैच कराना होता है। जब इनपुट इम्पिडेंस कम रहेगी, रिफ्लेक्शन लॉसेज ज़्यादा हो जाते हैं। अगर इस कोन के एंड पर डिसकंटिन्यूटीज़ रहती हैं, लेट सपोज ये जो एंड था ये ऐसा ऐसा डिसकंटिन्यूस एंड था, तो इस केस में रिफ्लेक्शन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हैवी रिफ्लेक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से जो रेडिएशन होगी या तो बहुत ही मिनिमम हो जाएगी या नॉट एट ऑल इट विल रेडिएट, कोई रेडिएशन होएगी ही नहीं इससे। अब अगर डिसकंटिन्यूटी है नहीं, पूरा सरफेस बिल्कुल स्मूथ था, तो इस केस में मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट होगी। तो अगर आप रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ करना चाहें, रेडिएशन पैटर्न इसका डायरेक्शनल पैटर्न रहेगा, आप देख सकते हैं एक पॉइंट पर यहाँ पर मैक्सिमम रेडिएशन है और यहाँ पर मिनिमम रेडिएशन है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, आप जाकर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख डालिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।